साहित्य विज्ञान केंद्र की मासिक एकत्रता विच सतविंदर सिंह मड़ौलवी का नावल चानण दा राही प्रधानगी मंडल वालों लोक अर्पण किया गया। प्रोग्राम के शुरू विच प्रसिद्ध कलम नवीस हरबीर भंवर नू श्रद्धांजलि भेंट की गई। दविंदर कौर ढिल्लों ने साहिबजादियां दी कुर्बानी बयान करदा गीत गीत सुरीली आवाज विच सुनाया। बलविंदर सिंह ढिल्लों ने बाबू रजब अली दा 72 कला छंद जो गुरु गोबिंद सिंह जी बारे लिखिया सी बुलंद आवाज विच सुनाया। प्रधानगी मंडल विच श्रोमणी साहित्यकार मनमोहन सिंह दाऊ, लेखक सतविंदर मड़ौलवी, सेवी रायत, डॉक्टर अवतार सिंह पतंग सुशोभित सन। स्टेज की कार्रवाई गुरदर्शन सिंह मावी ने सुचजे ढंग नाल चलाई। नावल बारे परचा पढ़दियां प्रोफेसर जगरूप सिंह ने कहा है कि हर लिखत विच सत्यम शिव सुंदर दा असूल लागू होना चाहिदा है। नावल एक ड्राइवर दी कहानी दर्शाउंदा है जो आदर्श बन के समाज विच विचरदा है। डॉक्टर हनेक सिंह क्लेर ने कहा है कि नावल विच कोई एक मुख कहानी नहीं है, सगो वक्खो वक्ख कहानियां दा संग्रह है। समाज वास्ते कोई सेध नहीं मिलती। नावल बारे डॉक्टर अवतार सिंह पतंग, सेवी रायत, सरदारा सिंह चीमा, हरबंस सिंह सोटी, डॉक्टर रजिंदर सिंह ने भी अपने विचार सांझे किते। लेखक ने कहा है कि जे किसी लिखत नूं लेखक दे नज़रिए तो पढ़िया जावे तां पढ़ना रोचक हो जाता है। समाज नूं चंगे उसारू साहित की बहुत लोड़ है। प्रधानगी भाषण विच दाऊ जी ने कहा है कि लेखक का पहला नावल सफल है। वह अपने आदर्शवाद के सुनेहे नूं बड़े सहज नाल पाठकां तक पुजदा कर जाता है। इस विच वातावरण, पशु पंछियों अते पानी दी संभाल बारे भी फिक्रबद्दी नज़र आउंदी है। अंत विच डॉक्टर पतंग जी ने सब दा धन्नवाद किया। इस मौके स्वर्ण सिंह, युद्धवीर सिंह, गुरनाम कंवर, ऊषा कंवर, अजायब औजला, सुरजीत सिंह धीर, सुरजीत सिंह जीत, गुरनाम बिजली, सुरिंदर कौर बाड़ा, परमजीत परम हाजिर सन। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं धन्यवाद करदा तुहाडा सारिआं दा चैनल दा। ते जिहड़ा नावल मैं लिखिआ है चानण दा राही, इसदा नाम है, इहदे ते मैं इक पात्र गुरदेव सिंह लिआ है जिहड़ा कि आम तौर पर टैक्सी ड्राइवर है। तो उहदा जिहड़ा रूप है वह मैं आदर्शवादी उस पहुँच के नाल लिआ है और वक्खरियां वक्खरियां तरह दीआं घटनावां जिहड़ियां कि मैं इक हफ्तिआं दे विच विच बन्नीआं सारीआं, सोमवार तों लैके एतवार तक। वह घटनावां उहदे अपने जीवन के नाल भी संबंधित आ, सवारियां दे भी जिहड़े खट्टे मिट्टे तजर्बे आ, और उहनां दा जिहड़ा मैं रूप है इस नावल दे नां दे मुताबिक चानण दा राही, हुण मैं कोशिश करी है कि समाज के जिहड़ियां साडियां बुराइयां फैलियां होईयां वो निक्के निक्के घटनावां दे नाल पात्र उहनां दे नाल जिहड़े पाठक है वह रूबरू होण, और उन्होंने इस नावल में पढ़ते हुए एक आदर्शवादी जी सोच है, समाजवादी जी सोच है, उन्होंने अपना के वह समाज के कुछ चंगा कर सकते। अच्छा सतविंदर जी, होर ये जे अपने पाठक जी ये है वो अपना किस किस पात्र के उपर अपना रोल निभा रहे हैं? जिहड़ा ये मेन पात्र मैं गुरदेव सिंह लिया है, तो उस बंदे के पक्ष जोड़े है बहुत सारे नावल पढ़ोंगे अपना नजरिया भी उसके बारे हो सकता है, पर मेरे वास्ते वो एक रोल मॉडल बनया क्योंकि उसकी जिहड़ी सोच है वह समाज के नाल जुड़ी हुई है, और एक बड़ा उन्हें जीवन के बड़ी गरीबी तो उठ के संघर्ष करके वह इस मुकाम तक पहुँचे कि अपना एक चंगा इमानदारी वाला जिहड़ा रुजगार है उन्हें अपनाया हुआ है, और कुछ जिहड़े उन्हें सवारियां मिलती हैं वह भी एक निक्के निक्के पात्र हैं, उन्होंने राही भी जोड़ा है वो समाज के जोड़ा है समाज की सेवा करनी चाहता है। तो यह मेरा सुनेहा बस यही है मेन लिखण का कि मैं पाठकों नौजवान पीढ़ी में दस सकता जिन्ना कुछ अपना अपने वालों थोड़ा बहुत यत्न कर सकता कि वो इस नावल में पढ़ के उन्होंने कुछ ना कुछ सीध ले सकन, और जिस तरह का पात्र मैं गुरदेव सिंह सिरजिया तो थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह का